तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो और आपका भी कॉलेज एबीसी कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है और आपको नहीं मालूम है कि अपने मोबाइल फोन से कैसे एबीसी कार्ड अप्लाई किया जाता है, कैसे न्यू एबीसी कार्ड बनाया जाता हूँ, जो कि अभी के समय में हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी ये अनिवार्य कंपल्सरी कर दिया है कि आपको एबीसी कार्ड बनाना होगा। अगर आप अपना एबीसी कार्ड नहीं बनाते हो तो कॉलेज में जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बहुत सारा कार्य होगा जो आप नहीं कर सकते हो बिना एबीसी कार्ड का। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, साथ में और भी सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहेगी और आपका हमेशा हेल्प होगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। तो अपने चलिए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल को हमेशा देखिए, पूरा ध्यान समझिए कि आप अपने एबीसी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। अगर आपसे कुछ भी मिस होगा तो भाई आपका कार्ड बेकार जा सकता है, आपका कार्ड 100% सबमिट नहीं होगा, इसलिए वीडियो का स्किप मत करना। 4 से 5 मिनट वीडियो होगा, एंड तक रखना, ये वीडियो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। चलो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना। हम यहाँ से गूगल ओपन कर लिया है और आपको आना है सर्च बना, आपको क्या सर्च करना है, एबीसी आईडी कार्ड आपको सर्च कर देना है। सर्च करोगे फिर देखिए उसका वेबसाइट है यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे आ गया, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जो एबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे फाइनली ओपन हो चुका है, आपको कहीं से भी लिंक खोजने की जरूरत, किसी से लिंक मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाना गूगल पे सर्च करना एबीसी आईडी कार्ड, उसके बाद आपको उसका वेबसाइट यहाँ पे खोल कर ओपन हो गया। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका क्या फायदा आगे बताऊंगा, पहले आपको बनाना कैसे है। देखो आपको क्या करना है, देखो आपके यहाँ पे मेरा लॉग इन का ऑप्शन, क्या करना आपको, सिंपल सा लॉग इन पे क्लिक करना। चलो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करें, जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे फिर ऑप्शन दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, दूसरा आएगा यूनिवर्सिटी। वो क्या करना है, आप स्टूडेंट हो, आपके स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, फिर जैसे सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे कुछ वेट करना है आपको। फिर देखो आपको यहाँ पे अगर आपका पहले से आईडी बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पे आईडी डाल करके अपना अपना जो एबीसी आईडी कार्ड उसका आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते करके, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से आपका नहीं बनाओ, कैसे बनाओ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला है साइन इन का, साइन अप का, क्या करना है आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। सब साइन अप पे क्लिक करोगे फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल नंबर फिल करने के लिए, ये जो है आपका डिजी लॉकर के मदद से बन गया। देखो यहाँ पे डिजी लॉकर लिखा हुआ, आप डिजी लॉकर वेबसाइट से भी बना सकते हो, उसके खुद ऐप आता है वहां से भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे फिल कर देना है, उसके अलावा आपको क्या करना है जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे फटाफट मोबाइल नंबर को फिल करते हैं, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर चुके हैं, ओटीपी फिल करना, फिर आपको क्या करना है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे आपका जो फोन नंबर है, देखो यहाँ पे आपका जो ओटीपी मोबाइल नंबर है वेरीफाई होगा, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, क्या करना है आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पेन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे आसान है आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं हमसे आधार नंबर को आपको एंटर करना होगा, हमसे आधार कार्ड को एंटर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना, देखिए यहाँ पे बोल रहा है फोन नेम, हमको क्या करना है इस पे क्लिक करना है और अपना जो भी नेम होगा अपना यहाँ पे नेम फिल करना है, जो नेम आपका कॉलेज में है हम यहाँ पे कॉलेज नेम जो है यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसका वो क्या करना है, देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है फिल कर चुके हैं, आपको भी क्या करना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालना है, फिर पिन डालना है, फिर कन्फर्म, चलिए फटाफट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलिए जेंडर क्या करते हैं मेल सिलेक्ट कर लेते हैं, जो यूजर नेम है आपका यूजर नेम क्या देना चाहते हो, जैसे लॉग आप जो भी जाओगे आप गूगल पे लॉग इन करें वहां पर आपका यूजर नेम और पिन देना होगा, आपको यूजर नेम और पिन हमेशा आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना है, ऐसा आपको नेम देना है जो आपको हमेशा याद रह सके। अपना नाम डाल लेते हैं, अपना यूजर नेम डाल देना, उसके बाद यहाँ पे पिन डालना, आप नया पिन बनाना और जो यहाँ पे पिन देना वो पिन आपको याद रहना चाहिए, फिर उसी पिन को यहाँ पे द्वारा कन्फर्म पिन कर देना, फिर आगे मतलब हम फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप अपना यूजर नेम और पिन फिल कर दीजिएगा, फिर देखिए आपको यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, चलिए यहाँ पे फटाफट टिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको एंड में क्या करना, आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो फिर जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर ओपन होगा, आपको क्या करना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और फिर देखो आप क्या करना है आपको यहाँ से अलाउ करना है, देखो यहाँ से आपको क्या करना है अलाउ करना, चलिए यहाँ से अलाउ पे क्लिक करते हैं, अलाउ पे आपको क्या करना आपको क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देखिए फिर आपके सामने यहाँ पे बोल रहा है क्या बोल रहा है आपको, देखो
योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग में कैसे वेरीफाई होगा उसका आप सीख लो। आपको यहाँ पे क्या करना, सिलेक्ट आईडी पे क्लिक करना, कोई भी एक आईडी को सिलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सबसे आसान है आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करना आपको, प्रोसेड विद केवाईसी, आपको क्या करना है सिंपल सा क्लिक, जैसे आप उस पर क्लिक कर दो तो फिर देखिए आपका जो नाम होगा यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा, डेट ऑफ बर्थ शो कर जाएगा, जेंडर शो करेगा, मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। आप इसे सिलेक्ट करो आधार कार्ड, आपको क्या करना है यहाँ पे आधार नंबर को डाल देना, चलिए फटाफट आधार नंबर को डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आधार नंबर फिल करने में क्या करना आपको, वेरीफाई पे फिर से क्लिक करना, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, फिर आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी का आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आधार हैज सेंड अ ओटीपी टू योर मोबाइल एंडिंग इन, देखो यहाँ पे जो है 4068 जो मोबाइल नंबर इस पता का एड है उस पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे ला करके फिल करना होगा। उसका टाइमिंग है 10 मिनट, आपको 10 मिनट के अंदर ओटीपी फिल कर देना है। अगर आप 10 मिनट के बाद अगर ओटीपी फिल करोगे तो फिर उसका लिमिटेड खत्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं फटाफट हम ओटीपी फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ओटीपी गया था, जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर था उसको ओटीपी गया था, ओटीपी का हमें फिल कर दिया। फिर क्या करना आपको, फाइनली सबमिट पे क्लिक करना, चलिए सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। चलो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे वेट करना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करना आपको, पर्सनल डिटेल देना है कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला। देखो अब वो क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू, आई एम ए स्टूडेंट एट एडमिशन ईयर। देखो हम क्लिक करते हैं आइडेंटिटी टाइप पे, और जैसे कि आप कार्ड बना रहे हो किसके थ्रू, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, नॉन। अगर आपका एडमिशन हुआ है 2024 में तो फिर तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं होगा, अगर जिनका एडमिशन 23 में हुआ होगा, 22 में हुआ तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। सबसे आसान है आप रजिस्ट्रेशन नंबर से बना सकते हो, उसके अलावा आप जब यूनिवर्सिटी में कॉलेज आप ले एडमिशन वहां पे आपको मिलता है रोल नंबर, आप उसे ही बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आपको रोल नंबर नहीं मांगेगा तो फिर कोई भी बना सकता है, ये केवल स्टूडेंट के लिए है। हो गया, आप जो वहाँ पे आइडेंटिटी सिलेक्ट करोगे उसका नंबर यहाँ पे क्या करना आपको फिल करना, यहाँ पे क्या करते हैं हम अपना जो नंबर यहाँ फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आइडेंटिटी सिलेक्ट करने के बाद उसका यहाँ पे जो नंबर है यहाँ फिल कर दिए, फिर यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी आपका की एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में है, आपका जो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, हम यहाँ पे आराम से क्या करते हैं सर्च कर लेते हैं पीपीयू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे पीपीयू, देखो यहाँ आ भी जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे लिख देते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आ गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर दिए हैं। और फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट एडमिशन ईयर पे क्लिक करना है। आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में किस ईयर में, आप किस साल में अपना एडमिशन कराए थे, मेरा एडमिशन हुआ था 2022 में, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2022 को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फिर क्या करना आपको, फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा फिर आपके साथ यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अपार आईडी स्टूडेंट क्रिएटेड, मतलब कि जो मेरा अकाउंट है क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे अपार जो आईडी है यहाँ पे आईडी भी मिल चुका है। जब तक आपको अपना अपार आईडी नहीं मिलता है, जब तक आपका एबीसी कार्ड बन कर कन्फर्म नहीं होता है। बाय द वे अगर आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका ना नाम शो करेगा ना अपार आईडी मिलेगा, तो फिर आप क्या करना बैक आना और फिर आप यूनिवर्सिटी फिर सिलेक्ट करना, ज्यादा बैक मत जाना, थोड़ा सा बैक आना, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, फिर अपना एडमिशन ईयर डालना, फिर आप सबमिट करना, फिर दोबारा आप करना, आपका जो है मिल जाएगा। चलो क्या करते हैं, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा फिर देखो यहाँ पे हेलो जो आपका नाम होगा नाम आ जाएगा और जो आपका आधार कार्ड इमेज होगा वो इमेज यहाँ पे देखो शो कर गया और यहाँ पे 0 शो कर जाएगा। आप फिर से करके अपना एबीसी कार्ड अप्लाई करके बना सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो अपना एबीसी कार्ड बनाना चाहते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आप अपना ख्याल रखिए।